बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सैलाब के सितम की। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। जबलपुर से आई तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर हर तरफ सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। हर तरफ पानी का कब्जा है, घर बार सब डूबे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बरगी डैम के 17 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी में उफान है। गुवारी घाट के सारे मंदिर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान ताल तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं और तालाब का पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए, सिर्फ मंदिर के शिखर आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी पानी है और जो हालात है वो बद से बदतर। हालांकि देश के कई राज्यों में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। बहरहाल, ये तस्वीरें जबलपुर मध्य प्रदेश की, जहां पर सैलाब का सितम नजर आ रहा है। तो देखिए, अभी भी अलर्ट है और कई जगहों पर से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। और आगे बढ़ते हुए आपको बाढ़ बारिश की तस्वीरें मध्य प्रदेश के ही मुरैना की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बांधों के ओवरफ्लो होने से जिले की नदियां उफान पर हैं। सांक आसन क्वारी नदी का जलस्तर अधिक रूप से बढ़ गया है। मुरैना के 2 और बांध कोतवाल के 10 और पिलवा बांध के 16 गेट खोले गए, जिसके बाद मुरैना में सैलाब का सितम है। नदियों के जलस्तर के बढ़ने के बाद निचले इलाकों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अलर्ट जारी किया गया है। कोशिश यही कि तमाम लोगों को सेफली निकाला जाए। बहरहाल, आप ये तस्वीरें देखिए कि जो डैम है उसके गेट खोले गए और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सितंबर में सैलाब ने ढाया इंसानों पर सितम। जबलपुर में बाढ़ से हाहाकार, डूब गया घर संसार। मंदिर डूबे, घाट डूबे, नर्मदा ने दिखाया रौद्र रूप। बरगी डैम लबालब, ग्वारी घाट जलमग्न। एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक बारिश बेहिसाब। एमपी और छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत से धरती पर हाहाकार मच गया है। एमपी के कई जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ के प्रचंड प्रहार से डैम उफान पर हैं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ जल साम्राज्य हो। बंगाल की खाड़ी से उठे इस मॉनसून सीजन के सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने मध्य प्रदेश को तरबतर कर दिया है। एमपी का महाकौशल इलाका इन दिनों बाढ़ में डूबा है। पिछले 5 दिनों से यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबलपुर में 2 दिन हुई 8 इंच की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सीजन में इस इलाके में रिकॉर्ड तोड़ 53 इंच बारिश हो चुकी है, जिससे निचले इलाके डूबे हैं। इतनी ज्यादा सैलाबी प्रहार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद यहां मशहूर बरगी बांध लबालब हो चुका है। डैम के 17 गेट खोलने पड़े हैं। बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है। धुआंधार जलप्रपात की गर्जना लोगों को डरा रही है। ग्वारी घाट पर नर्मदा नदी नॉर्मल लेवल से 15 फीट ऊपर बह रही है, जिससे ग्वारी घाट के सारे मंदिर डूब गए हैं। मंदिरों का सिर्फ शिखर दिख रहा है। 2 दिन में 8 इंच बारिश और बरगी बांध के 17 गेट खोले तो नर्मदा में प्रलय आ गई। ये तस्वीरें जबलपुर के नर्मदा तट की हैं और हम इस वक्त ग्वारी घाट में मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप कि पानी से हम नर्मदा तट से लगभग 40 फीट की ऊपर हैं और ये नर्मदा जी का बीचों बीच एक मंदिर है, जिसका सिर्फ और सिर्फ गुम्बद दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे एक मार्केट हुआ करता है, जिसमें काफ़ी दुकानें यहाँ पर लगी हैं। यही नहीं, जबलपुर के आसपास पानी ने भारी तबाही मचा दी है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण यहां हनुमान ताल ओवरफ्लो हो गया है। तालाब का पानी सड़कों पर बहने लगा है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। यहां हर तरफ से पानी ही पानी दिख रहा है। एमपी के शिवपुरी और भिंड में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। भिंड में सिंध नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे यहाँ के 3 गाँव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ की खतरनाक तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई हैं। सिंध नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे 2 युवक फंस गए। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ये युवक पेड़ पर चढ़े। हालांकि बाद में रेस्क्यू टीम ने इन्हें निकाल लिया और इनकी जान बचाई। मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ भी भीषण जल प्रहार से संकट में है। छत्तीसगढ़ में नदियां उफान पर हैं, जिनका पानी कई गाँवों में घुस चुका है। लोगों का घर बार सब कुछ डूब चुका है। दिल को हिला देने वाली तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर की है। यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में सैलाब है। पानी इतना ज्यादा है कि ये पुल को छूने लगा है।
गांव वाले नदी पार नहीं कर पा रहे, बीच में ही फंसे हुए हैं। बीजापुरी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का बस्तर और राजनांदगांव का भी हाल बेहाल है। यहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा हुआ है, बेडरूम और किचन सब कुछ डूब चुका है। घरों के बाहर भी करीब 10 फीट तक बाढ़ का पानी भरा है। दो दिनों से हो रही भारी बारिश ने इस इलाके की सूरत बिगाड़ दी है। भारी जल भराव की वजह से यहाँ का बाघ नदी जलमग्न है और पुलिसकर्मियों न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।